मानवता को तार तार करने के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना अमेठी से प्रकाश में आई, जहां पर सरकार द्वारा गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने वाली महत्वाकांक्षी योजना ने एक 60 वर्षीय अधेड़ के जान की दुश्मन बन गई। इसके चलते अधेड़ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जनपद मुख्यालय गौरीगंज कुतवाली क्षेत्र अंतर्गत उत्तर गांव बस्ती देई में रहने वाले एक अधेड़ को बीती रात घर के बाहर सो रहे अधेड़ को उठाकर घर से थोड़ी दूर पर बन रहे सार्वजनिक शौचालय पर ले गए। वहीं पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जलाकर मार दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि रात में सो रहे लोगों को इस घटना की कानों कान भी भनक तक नहीं लगी। सुबह जैसे ही लोगों ने लाश को देखा, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर कोतवाली गौरीगंज की भारी संख्या में पुलिस सहित पुलिस क्षेत्र अधिकारी अर्पित कपूर और अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घर वालों का बयान दिया और लाश को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आगे की जाँच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने इस घिनौनी वारदात का आरोप वर्तमान ग्राम प्रधान उनके प्रतिनिधि के ऊपर लगाया। उनका कहना है, यह लोग जबरदस्ती हमारे घर के सामने शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने विरोध जताया था। इसी के चलते घर के बाहर सो रहे अधेड़ को रात में उठाकर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। आपको बता दें, गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उत्तर गांव बस्ती देई में वर्तमान ग्राम प्रधान राजा राम है, जबकि प्रधानी का सारा काम पवन देखते हैं। इसी गांव में रामप्रसाद पासी, जिनकी उम्र 60 वर्ष के लगभग थी, वह पूर्व में गांव के बाहर बंजर जमीन पर आवासीय पट्टा लेकर मकान बनवा कर रह रहा था। मृतक रामप्रसाद के परिवार में 3 बेटे और 7 बेटी हैं, जिसमें से बेटियों की शादी हो चुकी है, किंतु अभी एक बेटी ब्याह के लिए शेष है। मृतक रामप्रसाद अपने दोनों बेटों के साथ कानपुर में रहते थे, वहीं काम धंधा किया करते थे, जबकि एक बेटा घर पर ही रहता था और परिवार की देखभाल किया करता था। मृतक अभी 1 सप्ताह पहले कानपुर अपने घर आए हुए थे, तभी उनको पता चला उनके घर के सामने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना, जिसमें गांव गांव पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसी के क्रम में ग्राम प्रधान के द्वारा उनके घर के ठीक सामने सरकारी जमीन पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, जिस पर जब इन लोगों ने लेखपाल से संपर्क किया, तब लेखपाल ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर अचानक एक दिन लेखपाल और वर्तमान ग्राम प्रधान उनके प्रतिनिधि पहुंचकर वहां पर जितने पेड़ लगे हुए थे सबको साफ कराते हुए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है, मेरे पिताजी इसी बात का विरोध कर रहे थे जो इन लोगों को नागवार गुजरा और इन लोगों ने घर से उठाकर उनको जलाकर मार डाला। वहीं इस पूरे हत्याकांड में अमेठी जनपद के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि आज 5 सितंबर 2020 को राजेश पासी निवासी उत्तर गांव ने ये सूचना दी कि गांव के प्रधान राजाराम पासी और उनके प्रतिनिधि पवन ने उनके पिता की हत्या कर दी। उन्होंने यह भी बताया, उन लोगों ने जलाकर और की हत्या की है। इस संदर्भ में उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस टीम गांव में मौजूद है, मैं स्वयं गांव में निरीक्षण करके आया हूं। इसमें अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंदर थी करके हाँ। तीनों से वही अंदर रहा सारा का उड़ा आप लोग भी थोड़ा सेट है, यही आप लोग जाइए, चलिए चलिए आप लोग इधर इधर चलिए जाइए। भैया आप सब क्यों नहीं जा रहे, तो जा रहे हैं, जाओ ना, तो देख ये इतनी देर से ये बाहर सो चलिए लेकिन यहाँ का सबूत देखो, हम बताओ तो शादी से आए क्यों, आत्महत्या क्यों गया है, मर्डर आज मार रहे हैं ये बताओ, रात को क्या हुआ था? रात को हम जन पाए नहीं, वहीं सब ही सवेरे उठे तो कहा था कि रात को नहीं तो सवेरे तो उठता तो हम जैसे उठे कैसे लेके बिजली आए कहा कि यहाँ बच्ची का हम भैया कहाँ कहीं कहाँ है कहाँ कहाँ यहाँ हुआ इसकी लहास पर ये तेरा घर में यहाँ क्यों रहते नहीं सब कुछ नहीं रहा राजा राम क्यों राम आए, राजा राम आए सब क्यों
पापा है मेरे तो भाग गए कौन लगे कौन का गाठी सब पूरा का गाठी है अखबार उनसे का गाठी करवाए के काम पूरा पास करा ले उनके गाठी भी हमसे तो फिर का गाठी का लगा लगाएंगे तो हम जाने में बाद में तो गाठी को फटा करेंगे काली का कल रहना है कल हम रहना ना हमें रही का गाती राजा राम पूर्व प्रधान पवन नहीं मैं भी नहीं रही का गाती रही का गाती है नहीं एक बार पूरा का गाती है कराओ थी का जितना विवाद कराओ थी नहीं दूजे ने कराओ थी मिलके हमने मना किया तो कह रहे कि हम ये पास कराए तीन चार दिन पहले भी प्रधान तो पवन कर दे नहीं प्रधान राजा राम है चला पवन राजा राम पार्टी खड़ा किए थे हाँ ओके भाई मंदिर तो ये और उपाध्याय तो ये क्या कहते हैं ये दोनों जिला मीटिंग बनाओ रहे हैं आज एक मुहारे कागाती का पास कराए तो हमारे लिए सूचना आई कागाती पहले मुहारे लेटिन पास होती है तो हम कागाती जगवंत नहीं पाल रहे हैं उसमें तो जगवंत नहीं पाल रहे कागाती उनसे हम मिले हाँ तो वो झूठ बोल रहे हैं कागाती कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कहें ऐसा कुछ नहीं हुआ पास वास नहीं हुआ ओके बाद में तीन चार दिन जब भी हम पास के दें वहाँ से फिर तत्काल आई की कागाती हटवा दें मतलब वहाँ से पास करा लें लेटरिन तो कागा थी आए की कागा थी खड़ा हुई की कहाती नहीं कॉल और जितना पेड़ और कॉलर को कटवा दें उसके बाद में एक कहाती जितना करे रहने बांधे बांधे रहे सब हटवा दें तुरंत जब वो नहीं कॉल रहें वो कागा थी हटवाएं और पावन प्रधान रहें और राजा राम रहें और गाँव वाले के लेके और गाँव वाले रहें ये हटवाए चार पाँच दिन पहले हाँ तो इनके लिए भी हम आज बोर्ड जुड़े ना कहते कि इनका थोड़ा और कम बना लिया हमारे मुहारे सामने आए ये पेड़ पालो मतलब जो लगवाए हमने लगाए थे नीम के पेड़ लगाए रहे हैं अमरूद के पेड़ लगाए रहे हैं उधर किनारे हम अनारे के पेड़ लगाए रहे हैं और उसको के लिए हम इधर किनारे किनारे अशोक के पेड़ लगा दे रहे हैं सब हटवा दें काका नलका कटवा रहे काका बचाए हैं बाकी और काका सब हटवाए के और ये लाइटिंग चालू करवा दें तुरंत काफी बनवाओ शनिवार को काकाती तुरंत काकाती काटवाए के बाद दूसरे दिन काकाती पूरी गिर गए काकाती ईटा उठा तुरंत है तुरंत से काम चालू होगा तो हम कल डीएम के लिए इनका लेके गए हैं हम डीएम के लिए अप्लीकेशन दिए अप्लीकेशन दे के फिर काकाती हम चला इन काकाती लेके अम्मा को अपने चला गए मामा के ये रहे घरे पे कागा थी हम चला गए मामा के तेज भान से इनके तेज भान से कागा थी करा देवे कुंभ कोनो तो साहिल कागा थी तो रुक जाए कागा थी क्योंकि जब लेटरिन बन जाए तो बदबू हमारे घर इनका जाए कागा थी हमेशा लेकिन जबरदस्ती कागा थी ऐसा करे कागा थी बनवाओ को ही उसके बाद कल कागा थी ऐसा कागा थी उठाए के ये लाइक कल शाम के कागा थी यहाँ घर पर बाहर पोड़ रहे हैं हम घर पर रहे ना इनका लाए के यहाँ फूक दें हम घर पे नहीं रहे तो क्या नाम है आपका राजेश क्या मामला हुआ ये कैसे क्या हुआ सर इसमें क्या था हमारा ये जमीन है ये जो ये बंजर जमीन थी इसमें हमें आवासीय पट्टा दिया गया था तो सामने क्या कहते हैं लेटरिंग बनवा रहे थे ये पवन पवन और राजा राम मिलके
मौके पे राजा राम प्रधान हैं और क्या कहते हैं चलाप पवन रहे हैं, प्रधानी उन्हीं कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलके यहाँ पे क्या कहते हैं लैटिंग चोरी चोरी पास कराए। वो जगवंत नेकपाल थे इस समय पे, जो क्या कहते हैं मौके पे हमने उनसे बात की कि क्या वहाँ लैटरिन बन रही है, हमने सूचना मिली तो वो कहे नहीं कोई लैटरिन नहीं बन रही वहाँ पे। और उसके बाद में जब पास डीएम साहब ने पास कर दिया तो यहाँ पे आके तत्काल जितने पेड़ थे और नीम के पेड़ थे, आम के पेड़ लगाए गए और अमरूद के पेड़ लगा रहा है, ये सब काट पीट के सब तुरंत ख़त्म कर दें। छोटे छोटे पेड़ रहे, 2 साल के पेड़ रहे, सब उनका ख़त्म करके पूरा साफ कर दें। जितना हम बाउंड्री कराए रहे इनका कहते हैं उसे तार वार से उसे बांस बल्ली से घेरे रहे हैं, उनका पाटे वाटे रहे, उनका सब कहते सब ख़त्म करके उनका लैटरिन बनवाता है मौके पर। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि आज रात में हम सुबह कल डीएम के एप्लीकेशन देना है, उसके बाद एक बात चला गया ना मामा किया, मामा किया हम ये वजह से मेरे कि जाके काका थी तेजवान दादा से मिल पे गोड़ होते तो काका थी शायद काका थी फ़ोन कर दिया तो काका थी ये कि रुक जाए काम, तो हम हुआ जवैया रहना सुबेरे, तो सुबह हम रात शाम के गए ना सुबह ई हादसा हो गया रात में, ये सब काका थी बनाए के काका थी और राजा राम ओपोन ये दोनों मिलाए काका थी घर से उठा के ले आए, बाहर सोत रहे बाहर से उठा के लेके आए काका थी किनारे घर आए, हुआ से उठा के लाए कि यहीं घर काका थी फूक दे का तेल माचे लगाए काका थी। क्या सूचना पुलिस को? हाँ दी है, सारे पुलिस आए थे अभी क्या कहते हैं सब कुछ देखा हो। आपका क्या नाम है और जो मृतक हैं ये आपके कौन थे, क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मेरा गांव हारी मऊ पासिम के पुरवा मऊजा दक्षिण गांव विधानसभा जगदीशपुर, और ये जो मृतक हैं हमारे जीजा जी के ससुर हैं, और हमें जैसे कि सूचना मिली सुबह कि इनको जला दिया है, जला के मार दिया किसी ने, तो सूचना के आधार पर हम लोग आए। तक क्या कुछ वाद विवाद किसी से चल रहा था इनका? हाँ इनका वाद विवाद चल रहा था, जो है ये इनकी पट्टे की पैतृक पट्टा मिला था इनको, तो इन्होंने इस पर निर्माण करा और इसमें रह रहे थे, यानी रहते नहीं थे, ये वन निर्माण कार्य कर दिया, और उसके बाद जो है प्रधान जी और नेकपाल सार्वजनिक शौचालय यहाँ बनवा रहे थे, तो इसी का इन्होंने विरोध करा कि यहाँ पे मत बनाइए घर के सामने, और इन्होंने कहा कि नहीं बनेगा तो यहीं बनेगा, हम नहीं पता लेकिन हमारे रिश्तेदार ने बताया कि वो ऐसा कह रहे थे कि बनेगा तो यहीं बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, तो उन्हीं से उनका विरोध चल रहा था, और इन्होंने जो है ऐसी ऐसी घटना घटी। घटना के बारे में क्या जानकारी हुई आपको? घटना के बारे में जानकारी ये हुई कि सर ऐसा है, सुबह हमें पता लगा कि हमारे पिताजी को जला दिया है लोगों ने, उन्हीं लोगों का नाम लिया इन लोगों ने, तुरंत झगड़ा उन्हीं से था तो उन्हीं लोगों का नाम लिया कि पवन उपाध्याय और वो राजा राम प्रधान, इन्हीं लोगों ने। इस संबंध में किसी उच्च अधिकारियों से शिकायत कभी की गई थी? नहीं की? नहीं, हाँ कल डीएम साहब के पास गए थे, इनके राम प्रसाद जी के छोटे लड़के डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने वहाँ जाके डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। आज दिनांक 5/9/2020 को राजेश पासी निवासी उत्तरगांव ने यह सूचना दी कि उनके पिता राम प्रसाद पासी को प्रधान गांव के प्रधान राजा राम पासी एवं उनके प्रतिनिधि पवन ने हत्या कर दी है। उनका कहना था कि उन्होंने जलाकर हत्या कर दी है। इस संदर्भ में उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। FSL की टीम गाँव में मौजूद है, मैं स्वयं गाँव में घटनास्थल निरीक्षण करके आ चुका हूँ और इसमें अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।